एशियाड में भारत पदक तालिका में चौथे नंबर पर है। भारत को 8 गोल्ड, 11 सिल्वर और 11 ब्रोंज मेडल मिल चुके हैं। भारत को शूटिंग में अब तक 6 गोल्ड, 6 सिल्वर, 5 ब्रोंज हासिल हुए हैं। तो एशियाड में शूटिंग में भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। और इस वक्त हमारे सहयोगी विमल मोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर बातचीत करने के लिए। विमल जी, भारत के लिए एक अच्छी खबर और एक के बाद एक शूटिंग जगत से खास तौर से हम देख रहे हैं, अगर 8 गोल्ड भारत को मिले थे उसमें 6 अकेले शूटिंग से ही आए हैं, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि आप लगातार खिलाड़ियों के संपर्क में, इस बेहतरीन प्रदर्शन के पीछे क्या फैक्टर इस वक्त काम कर रहा है? देखिए, एक तो शूटर्स ऑफकोर्स कम बैक हुआ है, बहुत शानदार प्रदर्शन किया। पिछली दफ़ा 2 हमारे पास गोल्ड थे अगर शूटिंग की बात करें, और 2006 में 14 था, तो हम उस दोनों जो सीमा रेखा है उसको पार कर गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार टीम इवेंट को इन्वॉल्व किया गया, जिसकी वजह से ज़्यादातर हमारे मेडल आए, लेकिन शूटिंग में इंडिविजुअल मेडल भी है। जैसे सिफ्थ कौर सामरा है, आज तक राइफल में हमारा कभी भी गोल्ड मेडल नहीं था। अभिनव बिंद्रा और गगन नारंग जैसे खिलाड़ियों के पास भी गोल्ड मेडल नहीं था, तो वो गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। इसके अलावा जो अभी 10 मीटर एयर पिस्टल में पलक गुलिया है, उन्होंने जीता है। तो बड़ी बात है अगर शूटर्स ने शानदार प्रदर्शन किया है। जसपाल राणा के रिकॉर्ड की बराबरी की है ईशा सिंह ने, उन्होंने 1 गोल्ड से 4 मेडल जीता है, 3 सिल्वर। उनके पिताजी से बातचीत हो रही थी, वो वहाँ अपने पैसे पे खर्च करके वहाँ गए हैं। और जो बच्चों को, जो पेरेंट्स की एक जो ज़रूरत होती है, सिर्फ 18 साल की हैं, वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करी। कई सारे इस गेम्स में जो 17 साल की जो है रोइंग में, जो नौकायन में उन्होंने, सेलिंग में एक लड़की ने किया इस तरह, और इक्वेस्ट्रियन में 20 साल की उम्र के कई 3-4 बच्चों ने किया। तो काफ़ी बच्चे जो है यंगस्टर्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और इधर टेनिस में भी आज सिल्वर मेडल आया, तो पदकों की संख्या बढ़ी है। कई सारी वजह हैं, लेकिन खिलाड़ियों ने काफ़ी मेहनत की और कई सारे चैलेंजेस को पार करके ये सारा मेडल हासिल किया है। कई सारे चैलेंजेस पार किए, और उसमें से कुछ खिलाड़ी ऐसे भी है जो कि मणिपुर से भी आते हैं, वो किस तरह के हालात से गुजरे हैं ये भी हम वाकिफ है। विमल जी, अभी आने वाले वक्त में और कौन से इवेंट है जिसमें हम गोल्ड सिल्वर की और उम्मीद कर सकते हैं? बहुत सारे इवेंट है, अभी तो शूटिंग में भी इवेंट बचा हुआ है, इसके अलावा एथलेटिक्स तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है, रेसलिंग अभी शुरू नहीं हुआ है, टेनिस है, टेबल टेनिस है, कई सारे इवेंट्स हैं हमारे। जो जैसा मैं शुरुआत से कह रहा हूँ कि उम्मीद करनी चाहिए कि 20 का आंकड़ा अगर सिर्फ गोल्ड मेडल की बात करें तो पार कर जाएँ, और अगर हम 80 का आंकड़ा पार करते हैं ओवरऑल, जो अधिकारी अब की बार 100 पार का नारा लगा रहे हैं, तो 80 पार भी हम करते तो बहुत ही बड़ी बात होगी और अच्छी बात होगी, क्योंकि पिछली बार हमारे पास 70 मेडल थे और हम गोल्ड मेडल की संख्या भी क्रॉस कर सकते हैं।